हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बनाने को ऐसे कुछ है नहीं, घर पे हूँ। तो ऑफिस जाना भी, एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना है, तो फिलहाल तो घर पे हूँ और इस बारिश का मज़ा ले रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बेसिकली कुछ होगा नहीं, बस यूँ ही बना रहा हूँ डालने के लिए, एक वीडियो डालने के लिए। बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ, तो सोचा कुछ ऐसे ही डालूँ। इसमें कोई कॉन्टेंट वॉन्टेंट कुछ नहीं है, घर के अंदर हूँ, बढ़िया सुरक्षित। और होप करता हूँ आप लोग भी सुरक्षित होंगे इस कोरोना महामारी के काल में। सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, मास्क वास्क पहन लीजिए। अभी तो मैं घर में, इसलिए मास्क नहीं पहना हूँ, वैसे वरना कहीं बाहर जाता हूँ तो मास्क पहन के ही जाता हूँ। और आप लोग भी मास्क पहन के ही जाइए, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। और इस पूरे भारत में देख ही रहे हैं आप लोग कि किस तरह की महामारी चल रही है अभी फिलहाल, और कितने लोग डेथ हो रहे जिनकी, तो उस वजह से आप थोड़ा सुरक्षित रहिए। सब होशियार हैं, सब समझदार हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस वही करिए, सरकार का नियमों का पूरा पालन करिए, जो भी आदेश देते हैं उनका पूरा पालन करिए, वरना पीछे लठ बजने के पूरे चांस रहेंगे। और इसके बाद आपको पता ही है, तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। वीडियो में देखते रहिए क्या क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है। दिन भर में मैं क्या क्या करता हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगा, और होप आपको अच्छा लगे। तब तक आप ये बारिश का मज़ा लीजिए, मिलते हैं वीडियो में। NS, इसका हाल देख ही रहे हैं, कितना गंदा हो गया, बहुत दिन से धुली भी नहीं है, ना धोया हूँ इसको, और ये पड़ी है। ऑफिस जाने के यूज़ हो रहा है आजकल, और मैंने सोचा था कि इसमें ब्लॉग बनाऊंगा, पर अभी फ़िलहाल वो पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए नहीं बना रहा हूँ ब्लॉग। सही मायने में कहा जाए तो बना ही नहीं रहा हूँ, कहीं आ जा सकते हैं वाली बात ही नहीं है, नहीं बना रहा हूँ। पता नहीं माइंड में मन नहीं कर रहा है बनाने का, पता नहीं क्या हो रहा है, पर बना नहीं रहा हूँ फिलहाल। तो ये मेरी बाइक है NS 200। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये इसमें आपका अगर मेरे को ABS मिल जाता, एक नंबर की बाइक होती, क्या होता है ABS अगर नहीं होने से गाड़ी स्लिप करती है, जब भी ब्रेक मारता हूँ फिसलती है। दो तीन बार मैं फिसला हूँ, गिरा नहीं हुआ, हालांकि फिसला ज़रूर हूँ। तो मेरे को लगता है इस कमी है ये इस गाड़ी में। अभी तो ABS आने लगा है, ये तो पुरानी हो गई है, ये दो तीन साल पुरानी है। तो अभी जो नई वाली ये NS है उसमें ABS आ रहा है, आप ले सकते हैं। बाकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन मक्खन जैसे चलती है इसका। हाँ, इसका एक और चीज़ है, इसका जो चैन, इसका ये जो चैन है ये हमेशा ढीला रहता है, मैं हमेशा टाइट कराता हूँ, हर दूसरे दिन ढीला हो जाता है। मैंने सेंट चॉकेट भी लगाया है, वो भी कुछ काम का नहीं है, साल भर बढ़िया काम करेगा, उसके बाद फिर ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा। प्रॉब्लम यही है, बजाज वाले को मैं यही कहना चाहता हूँ, नई एटलीस्ट नए वाले NS में ये प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि इरीटेटिंग हो जाता है साउंड सुनते सुनते। बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रही मेरी बाइक जो बिना धुले हैं, लोग धुल के दिखाते हैं, मैं बिना धुले दिखाता हूँ, भाई सच्चाई होनी चाहिए, है ना। बाकी सारी चीजें बात दीजिए, पहले चाय पी लीजिए। तो मैं चाय पीता हूँ, और ये है चाय मेरी, अभी जो दूध देखा था उसी का चाय है ये, मस्त बढ़िया चाय है। भाई तू भी प्याज चाय पी, और भाई भी पियेंगे। इधर मेरे पापा हैं, वो भी चाय पी रहे हैं, सब बैठ के चाय पी रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद गाली सुनूंगा पापा से, नहाया नहीं हूं ना। चाय पीने के बाद ये हाल हो गया है, चाय पी चुके हैं, अब इसको साफ करना है, उसके बाद जाऊंगा मैं नहाने। तो बने रहिए वीडियो में, क्या क्या होता है देखते हैं। नहाने का नहीं दिखाऊंगा मैं, बाकी इतना बच गया है, इतना नमकीन ये मेरा भाई खाएगा। ले भाई ख़त्म करना इसको, ठीक है। वो भाई ख़त्म करके, इधर मम्मी हंस रही है यही करके, इधर पापा खड़े हैं। फिर से बारिश चालू हो गया, एक घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। चाय भी ख़त्म, नहा लेता हूँ जाके। तो भाई अपना नहा के तैयार हो गया, कंडी कर लूँ जो मेन काम है, यार बाल बहुत चढ़ रहे हैं, कोई उपाय हो तो बताना। कि नहाने में तो आज मज़ा नहीं आया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी भी थी, और ठंडे पानी से नहाने में मज़ा नहीं आता। तो मैं आजकल ये क्रीम लगा रहा हूँ, ये है हिमालय ऑयल फ्री रेडिएशन जेल क्रीम,
लगा रहा हूँ, शायद बुरा हो जाऊँ। फिलहाल मुझे कोई ऐसा ऐसा दिख नहीं रहा है, ना ये बॉटल खत्म हो रही है ना मैं बुरा हो रहा हूँ। फिर भी लगाता हूँ, जेल टाइम में है, बिल्कुल पिल पिला सा मजा नहीं आता लगाने। 260 रुपये दिया हूँ तो लगाना पड़ेगा। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे, पता नहीं होंगे क्या दिखाऊँ, जो भी दिखाऊंगा दिखाऊंगा। तो मैं हो गया हूँ रेडी, कहीं जाना है नहीं, फिर भी रेडी हो गया हूँ, चलो देखते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगा चटनी। ये आम है, इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्चा डला हुआ है, हरी मिर्च। तो मैं फटाफट इसकी चटनी बनाता हूँ, खाने टाइम में काम आएगा, पाचन क्रिया में भी काम आता है ये, और मज़ा आएगा खाने में। ठीक है, आप बने रहिए। ये चावल बन गया, ये सब्जी है हमारी, उसके बाद प्रिपरेशन रेडी हो चुका है खाना खाने का। तो ये है चावल, ये सब्जी है, और ये चटनी रही जो बनाया था मैंने, और खाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ सब बैठ के एक साथ खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर, और मज़ा भी आता है एक साथ खाना खाने में। और फैमिली को हमेशा एक साथ ही खाना खाना चाहिए, जब भी टाइम मिले तो एक साथ बैठ के खाने खाने का जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है। तो फटाफट मैं खाना ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ। और आप लोग को एक चीज़ और बताना है, जो थाली मैंने दिखाया था उस थाली के बारे में आपको बताना है कमेंट करके, कि मैं कौन सी थाली में खाना खा रहा हूँ। तो ये आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में कर सकते हैं कौन सी थाली में खाना खा रहा हूँ। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद खाना खाने के। हाँ, तो खाना पीना खा लिए, पेट भर चुका है मस्त। दाल चावल, दाल नहीं दिखाया था मैं आपको, दाल भी था उसमें, दाल चावल सब्जी चटनी जो बनाया था मैं, चटनी वो था, टेस्टी बना, अच्छा बना। घर का खाना हमेशा अच्छा होता है, चाहे जैसे भी बनाओ हमेशा अच्छा होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगा और दिन भर का जो वीडियो बनाया था थोड़ा सा एडिटिंग करूंगा, उसके बाद मिलता हूँ आपको शाम को। ठीक है, तो बनी रहिए। तो पूरा एक घंटा सोने के बाद अभी उठाऊँ, और अभी कितने बज रहे हैं, 4:24 हो रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग किया उसके बाद सो गया, अभी उठाऊँ तो फिर मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगा। तो देखते हैं, पता नहीं क्या बनाऊँगा, कहीं जा भी नहीं सकते बाहर, नहीं तो बाइक लेके थोड़ी सी गांव कहीं सैर कर लेते, वो भी नहीं होगा, और बारिश भी हो रही है। तो अभी जाऊँगा, हाथ धोऊँगा, थोड़ा सा चाय वाय बना के पीता हूँ, बाकी चल ही रहा दिन भर से यही सब काम। देखते हैं कब तक बना पाता हूँ इस वीडियो को, कहाँ तक ले जा पाता हूँ। वैसे हालांकि है कुछ नहीं इस वीडियो में, सिर्फ मैं दिन भर का जो किया हूँ वही दिखा रहा हूँ आप लोग को, रोज ऐसा नहीं होता, अलग अलग चीज़ भी होती रहती है, पर आज जो हो रहा है वही दिखा रहा हूँ। एक मकसद था वीडियो को अपलोड करने का, तो एक वीडियो बना के आज मैं इसको डालूंगा यूट्यूब पर, आप लोग देखिए, कमेंट करिए, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आप कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा शेयर करिएगा। ठीक है, तो मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ और एक कप चाय बना के पीता हूँ। ये मेरा गांव था, है, और ये रोड है जो मेरे घर की ओर जाता है, और इधर खेत है। कोरोना काल के कारण यहाँ खेती इस बार नहीं हुई, नहीं तो यहाँ धान अभी लहलाते होते, बारिश का सीजन है। तो यही रहा मेरा वीडियो आज का, जो भी जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, जैसा भी है यही रहा। और मैं वीडियो को यहीं पर अंत करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, और मैं और कुछ वीडियो आगे को शूट भी नहीं कर पाऊँगा। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, शाम हो गया, चाय वाय पी लिया, बढ़िया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए, अगर सबसे बेकार लगा हो तो कमेंट करके बताइए, जैसा भी हो, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरे जितने दोस्त हैं उन सभी को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर थोड़ा सा बढ़ाइए, तो वीडियो बनाने में मज़ा आए, और मैं नए नए कॉन्टेंट लाऊँ इस चैनल पर मेरे। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया रहें, खुश रहें, खुशी फैलाएँ हर तरफ, जो भी है ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, देखता हूँ क्या बना पाता हूँ, ये लॉकडाउन अगर खुल जाए तो बनाऊंगा कुछ ना कुछ नया वीडियो। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ तक देखने के लिए। अगर जो भी देख रहे हैं यहाँ तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर करके जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।